बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जॉब टुगेदर्स के एक और वीडियो में आप लोगों को खुश आमदीद। और ये तकरीबन सिक्स पार्ट नंबर सिक्स है एंटोनिम वर्ड्स का। जैसे पहले मैं तकरीबन फाइव पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप लोग वो पार्ट्स मिस कर चुके हैं या अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, साथ ही बेल वाले आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के बारे में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। इससे पहले फाइव पार्ट्स और मज़ीद और पार्ट्स भी मैं अपलोड करूँगा एंटोनिम्स वर्ड्स की। ये वो एंटोनिम्स है जो ज़्यादातर एनटीएस, एफटीएस और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसके जो है ना बहुत ज़्यादा आए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं और रिपीटेड भी हैं। तो आप ज़रूर पढ़िए, इसको देखिए ताकि आप लोगों को इससे मज़ीद फ़ायदा हासिल हो जाए और आपको एग्ज़ाम में इससे कुछ ना कुछ जो है ना फ़ायदा हासिल हो जाए। तो आज जो पहला एमसीक्यूज़ है या पहला जो एंटोनिम्स है वो है परपिट्रेटर। परपिट्रेटर जो है ना मुजरिम होना, कोई ऐसा बंदा जिसने जुर्म किया हो तो उसको हम मुजरिम कहते हैं। और इसके लिए जो अपोजिट वर्ड्स है वो है ऑप्शन नंबर सी पुलिस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मॉडर्न्ट। मॉडर्न की जो मीनिंग है वो है ऐसी चीज़ जिसको जिसके ज़रिए से हम जलाते हैं, तो उसको या जिससे इंसान को जो है ना वो मतलब उसे नाराज़गी या वो खफा हो जाता है या जिसको हम उससे जेलस हो जाता है तो उसको हम मॉडर्न कहते हैं। और इसके लिए जो अपोजिट लफ्ज़ यूज़ होता है वो है प्लीजेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वर्ड्स है परडिशन, PERDITION, परडिशन। परडिशन की जो मानी है वो है अजाब, तबाही। और इसके लिए जो अपोजिट वर्ड यूज़ हो रहा है वो है कीवर, जन्नत। एपिटोमी जिसकी मानी है खुलासा करना, वजाहत करना किसी भी पैराग्राफ को, इसको हम एपिटोमी कहते हैं। और एंटीथीसिस, एंटीथीसिस मीन्स जो भी लफ्ज़ है या जो भी है उसको उल्टा बयान करना, यानी उसकी मुतजाद को हम एंटीथीसिस कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लूमक्स, और फ्लूमक्स की जो अपोजिट वर्ड है वो है इनलेजेंट, इनलाइटिन। नेक्स्ट वर्ड है वो है एम्पोरिश्ड। एम्पोरिश्ड मीन्स गरीब, कमज़ोर, नादार। और इसके लिए जो अपोजिट वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर डी, वेल्दी। नेक्स्ट वर्ड है इज मिनस्क्यूल। मिनस्क्यूल मीन छोटा, बहुत छोटा। और इसके जो अपोजिट है वो है मजस्क्यूल। मजस्क्यूल, मजस्क्यूल मीन बहुत बड़ा। सो इसमें ऑप्शन नंबर डी मिनस्क्यूल के अपोजिट है। नेक्स्ट वर्ड है इक्लेट। इक्लेट की जो मानी है शान व शौकत और ऐश व आराम को हम इक्लेट कहते हैं। और इसके लिए जो अपोजिट वर्ड्स हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, डलनेस। नेक्स्ट वर्ड है वेल्टर, और वेल्टर की मानी है लौटना और यानी किसी चीज़ को लुटाना। और इसके लिए जो अपोजिट वर्ड है वो है ऑर्डर। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।